जब आप करुणानिधि सीखोगे और नीचे के चक्रों को हीलिंग करना शुरू करोगे, तब जाके आपके एक-एक दोष निकलेंगे। फिर मंगल का दोष, मटेरियल का दोष, मनी का दोष, शनि का दोष, वाटर का दोष, अर्थ का दोष, गुरु का दोष, साउथ ईस्ट का दोष, जितने भी हमारे दोष है, पैरेंटल दोष है, पितृ कर्मा है, ये सारे निकलने हैं। आप समझ में आए कि जब तक नीचे के दोष को नहीं निकालोगे, हमारे ऊपर कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी रहने दो, वो नीचे सब कर देंगे, वो आपको ड्रेन कर देंगे। तो आजकल जो लेट शादियां होती हैं या लोगों को पैसे कम मिलते हैं या खर्चे ज्यादा होते हैं, वो क्यों? नीचे के चक्रों के वजह से, नीचे के दोषों के वजह से। क्या हमारे घुटने ज्यादा दुखते हैं, पैर जल्दी दुख जाते हैं? पहले लोग कितने माइल्स चलते थे, कुछ नहीं होता था, और आज लोग यहाँ से थोड़ा स्टेशन तक जाते तो थक जाते हैं, क्योंकि उनको नीचे के चक्रों के दोष लग रहे हैं। आजकल के बच्चे देखो चलेंगे नहीं, रिक्शा चाहिए, टैक्सी चाहिए, ट्रेन चाहिए, बस चाहिए, कार चाहिए, राइट? तो हर बार हमारा रीबर्थ के बाद, रीइंकारनेशन के बाद लोअर चक्र वीक होते जाते, कमजोर होते जाते, इसलिए अर्ली एज में हमें बीमारियां होती हैं। बच्चों को भी कैंसर होता है, बच्चों को अस्थमा होता है, बच्चों को डायबिटीज होता है, बच्चों को भी अल्सर्स होते हैं, हर्निया हो जाते हैं। क्यों होते हैं? पहले कहां पे इतने छोटे के बच्चों को बीमारियां थी? ये तो बढ़ती जाएगा, बढ़ती जाएगा, क्योंकि क्लियरेंस नहीं हो रहे ना। प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ रहे हैं, गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, ये सारे जो मटेरियल चीजों के जो रेट्स बढ़ रहे हैं ना। पहले गोल्ड का कितना रेट था आज से 10 साल पहले, और आज कितना है? क्यों? पहले प्रॉपर्टी के रेट्स क्या थे, आज कितने हैं? क्योंकि हम क्लियर नहीं कर सक रहे, इसलिए इतना बढ़ रहा है। पहले पेट्रोल के रेट्स क्या थे, आज कितने बढ़ गए? तो इसमें अफेक्टेड वही होगा जिसने दोष निकाले नहीं है। अदरवाइज कितने भी रेट्स बढ़ने दो, अगर दोष निकला हुआ रहेगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पेट्रोल 80 रुपए का, कल 100 होगा, 200 भी होगा ना, तो जिसका क्लियरेंस हो चुका है वो खरीदेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गोल्ड भी खरीदेगा, तो उसकी इनकम उतनी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना, क्योंकि दोष निकल गए, उसको क्या फर्क पड़ता है? आज सपोज अमिताभ बच्चन है, उसको कोई फर्क पड़ता है पेट्रोल 80 रुपया है तो? उसके दोष निकल गए, वो उस फेज में से निकल गए। अरे बेटी के समझ में कि नहीं? तो अल्टीमेटली हमारा जो एक इंटेंशन क्या होना चाहिए कि नीचे के चक्रों के हम जल्द से जल्द दोष निकाल दें, चाहे वो पेरेंट्स से हमें कोई दोष आए हैं या अपने प्रेजेंट लाइफ के वजह से, जो हमने कुछ प्रेजेंट लाइफ में कुछ ऐसे रिलेशंस के कर्म किए या और कोई कर्म किए या गलत फूड इंटेक ले लिया जिसकी वजह से हमने प्रेजेंट लाइफ के कर्म, ये सबको क्लियर करना है। आहार विहार विचार व्यवहार, ये सारे दोषों को हमें निकालना है।